यार हम तो ये तब से खा रहे हैं जब ये मशहूर भी नहीं थी। अरे बोरी दाल चावल कहलाता था ये। कैसी प्रेजेंटेशन हुई हुई है इसकी, जबरदस्त सी भाई, नेक्स्ट लेवल है। फिर इनकी दाल और अचार जो है ना उसका मिक्स बहुत ही अलग है। आप अगर आपने अभी खा लिया या नहीं खाया पता नहीं मुझे, लेकिन आप वो सिर्फ सादा चावल में वो दो चीजें डाल के खाइएगा, आपको उसका टेस्ट ही पता चल जाएगा कि उसकी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग, दिस इज हसाम। तो भाई आज मैं मौजूद हूँ हैदरी में और यहाँ पर आने का मेरा मेन रीजन है यहाँ की पावन थाली। तो भाई आज मूड हो रहा था कुछ हल्का फुल्का खाने का, तो सोचा कि यार दाल चावल जो है वो ट्राई करने चाहिए, और फिर सोचा कि यार पावन थाली जो है वो बड़ा मशहूर नाम है, तो इसको ट्राई किया जाए और इसको एक्सप्लोर किया जाए कि यहाँ पर कौन कौन सी जो थालियां हैं वो मिल रही हैं। तो भाई मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ इसको एक्सप्लोर करने के लिए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो फिर आओ मेरे साथ। भाई शाकिर भाई मेरे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर हम बनवा रहे हैं अपनी स्पेशल सी थाली। भाई शाकिर भाई क्या डाल रहे हैं ये बताइए जरा। ये राइस। हाँ 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 जबरदस्त भाई, राइस का आप कलर भी चेक करें, माशाल्लाह फुल खिलते हुए जो है ना वो राइसेस हैं भाई। होए होए होए, अब क्या आएगा शाकिर भाई, दाल आ जाएगी भाई, अब ये चेक करें भाई दाल। होए 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 होए, अच्छा ये दाल किस चीज की होती है? मूंग मसूर। मूंग और मसूर की दाल है, जबरदस्त भाई। अब क्या आएगा शाकिर भाई? ये मक्खन। ओए होए होए होए, मक्खन मक्खन जब दाल के अंदर आ जाए या किसी भी चीज के अंदर पड़ता है ना तो उसका टेस्ट जो है वो अलग ही आता है। ये क्या है शाकिर भाई? चिकन स्टिक। चिकन स्टिक है भाई, जबरदस्त। ये क्या चीज डाल रहे हैं? चिकन कबाब। चिकन कबाब है भाई ये, और ये जो है पापड़ी। पापड़ी। होए 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 होए, फुल भाई कोई स्पेशल थाली बन रही है भाई। ये समोसा। ये समोसा किस चीज का है? चिकन। चिकन का समोसा भाई। ये चिलोस। ये चिलोस आ गई भाई। चिलोस किस चीज की है? चिकन। चिकन के अंदर चिकन चिकन आलू पेस्ट का मसाला पेस्ट में मिक्स होगा, जबरदस्त। अब क्या डलेगा शाकिर भाई? ये सलाद। ओए सलाद के जो लवाजमात है भाई वो डल रहे हैं भाई इसके अंदर, और ये मेरे ख्याल से अचार है जो कि आप लोग खुद बनाते हैं। ये अचार भाई, ये अचार जो है ना, जो मैंने सुना है अभी तक कि इस अचार का और इस दाल का कॉम्बिनेशन करके अगर आप खाए ना तो उसका कोई नेक्स्ट लेवल है भाई, तो उसको ट्राई करते हैं हम। अच्छा ये क्या चीज है? ये रायता है, कस्टर्ड है। ये कस्टर्ड है। अच्छा ये रायता भी आप लोग खुद बना रहे हैं, कस्टर्ड भी आप लोग होममेड है, खुद बनाते हैं। ओए होए 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 भाई, ये थाली को चेक करें, माशाल्लाह भाई कैसी प्रेजेंटेशन हुई हुई है इसकी, जबरदस्त सी भाई, नेक्स्ट लेवल है। पावन थाली का टेस्ट कैसा? यार हम तो ये तब से खा रहे हैं जब ये मशहूर भी नहीं थी। अरे बोरी दाल चावल कहलाता था ये, तो हमारा तो रेगुलर होता है, अभी भी जुम्मे को तो हम रेगुलर ये जरूर खाते हैं, और हमारा ऑफिस भी है पीछे, तो दोपहर के वाले लड़के भी यहाँ आते हैं, ये इनका टेस्ट ऐसा है कि रेगुलर कस्टमर। अच्छा मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं, दाल चावल जो है वो हर जगह पे मिलता है, लेकिन पावन थाली जो दाल चावल है उसमें ऐसा है क्या जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं? देखिए एक तो इनके प्राइस में जो चीजें मिलती है ना वो है। मतलब इसमें समोसा भी होता है छोटा सा, चिलो भी होता है, कबाब भी होता है, फिर इनकी दाल और अचार जो है ना उसका मिक्स बहुत ही अलग है। आप अगर आपने अभी खा लिया या नहीं खाया पता नहीं मुझे, लेकिन आप वो सिर्फ सादा चावल में वो दो चीजें डाल के खाइएगा, आपको उसका टेस्ट ही पता चल जाएगा कि उसकी क्या क्वालिटी है। इनके पास पुलाव और बिरयानी भी है, लेकिन मेरे ख्याल से वो इतना नहीं चलती होगी जितना दाल चावल। अच्छा जी मैं थोड़ी सी आप लोगों को लिस्ट इनकी शेयर करूं कि इनके पास कौन कौन सी जो है वो थालियां होती है और उनकी प्राइसेस जो है वो क्या है।
तो भाई सादी थाली, मेरा कैमरामैन अगर दिखाए तो भाई सादी थाली जो है वो 210 रुपए की है, सादा कबाब थाली जो है 270 रुपए की है, कबाब स्पेशल थाली जो है 350 रुपए की, और चिकन थाली जो है वो 450 रुपए की, और डिफरेंट जो है वो इसके अंदर आपको थालियों के रेट जो है वो नजर आ जाएंगे। 600 रुपए भी है, 480 रुपए की भी है, फिर एक और 480 है, फिर 360 रुपए की भी है। तो भाई ये है इनकी थालियों के रेट्स, और इसके अंदर जो है वो डिफरेंट जो है वो लवाजमात जो डाले गए हैं उसके हिसाब से जो है वो रेट इसमें आपको डिफाइन हुए हैं। पसंद क्या है? दाल अच्छी है, चावल अच्छा है, दाल इनकी दाल अच्छी है, बहुत टेस्टी है। भाई मेरे साथ मौजूद है अदनान भाई, और इनसे जरा मालूम करते हैं भाई 52 थाली पे इतना जो रश है और बेहतरीन जायका है, इसका राज क्या है? अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं? ठीक हैं, कैसे मौसम भाई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। सर दुआएं दुआएं। अदनान भाई माशाल्लाह से इतना जबरदस्त जायका है, इतना रश लगा रहता है, क्या राज है इस चीज का, ये बताएं। सर बस माशाल्लाह से अल्लाह की दुआ है, ये खुदा ने हमारे हाथों में ये एक जायका डाला है दाल चावल का। लोग दुनिया में दाल चावल खाते हैं लेकिन घर में भी बच्चे नहीं खाते। कुछ पेरेंट्स आके मुझे शिकायत करते हैं कि यार हमारे बच्चे हमारे हाथ का गर्म नहीं खाते, आपकी दुकान का खाते दाल चावल। मुझे बहुत सारी मेरी लेडी कस्टमर आती है, मैं जब उस दुकान पे जाता हूँ ना, मेरी मेन रोड पे भी ब्रांच है हमारी, बावन थाली फैमिली रेस्टोरेंट, और रात को भी खुला होता है ये, तो खैर अभी इधर शाम तक का सेटअप होता है, तो वो लेडीज कस्टमर शिकायत करती है कि भाई ये हमारे घर में हमारा तो दाल चावल नहीं खाते, ये आपके दाल चावल बड़े शौक से खाते हैं। तो ऐसा क्या राज है दाल? मैंने बाजी को बताया, मैंने बोला बहन ये जो इसके अंदर दाल चावल है इसमें लवाजमत होते हैं हर चीज के, इसमें कबाब होता है, स्टिक होता है, अब कुछ देखे शौकीन होते हैं दाल चावल के, कुछ होते हैं लवाजमत के, आपने देखा होगा हमारे पास पापड़ी है, मिर्ची है, समोसा है, चिकन कबाब है, चिकन स्टिक है, चिकन के लेग पीसेस फ्राई हैं, तो ये हमारी कॉम्बो थालियां भी बनती रहती है बहुत सारी, फिर उसमें रायता भी है, कस्टर्ड भी है, और एक थाली का जो एक मजा होता है ना, एक अलग मुनफरिद होता है इसके अंदर। बंदा देखे हर इसकी एक थाली जब बनती है तो उसमें बंदा अपनी किस्म से खाता है, जिसको जितना चावल खाना हो, जितना दाल खाना हो, जितना मतलब हर चीज को मजे ले लेके चक चक के खाते हैं और पुरसुकून तरीके से खाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, तो ये जो मजा है हमारी थाली। अच्छा मैंने सुना है कि दाल जो है वो आपकी कोई डेग वाली दाल है, ऐसा कुछ जी, बाकी में हकीकत है? सर ये हमारी दाल पकती है माशाल्लाह से, ये बोरी स्टाइल में दाल है हमारी। अच्छा बोरा स्टाइल दाल है हमारी, ये मेरा वाली साहब शबीर हुसैन है, उनका फॉर्मूला है सारा। अरे और ये देख के अंदर पकाते हैं और जो मसाले वगैरह सब उनके हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि दाल हमारी माशाल्लाह से इस काम को हमारे 50 साल हो गए। अरे माशाल्लाह, तो जो इस दाल का जो 50 साल से टेस्ट चलता है और अभी तक स्टिल वैसा का वैसा ही है, वैसे कभी चेंज नहीं हुई। नो डाउट मैंने भी कोई 6-7 साल पहले ट्राई किए और आज मैं ट्राई करूंगा कि वाकई में वही टेस्ट है या नहीं है। हां कभी कभी हो सकता है कि नमक का थोड़ा ऊंच नीच हो जाए, वो इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन वो भी थोड़ा बैलेंस हो जाता है अल्लाह का शुक्र है। बेशक सही। अच्छा मुझे यहाँ की थोड़ी सी लोकेशन बताएं और टाइमिंग्स बताएं कि यहाँ की टाइमिंग्स। सर हमारी लोकेशन है, आप नॉर्थ अहमदाबाद के अंदर हैदरी में एंटर होंगे, पहली ब्रांच है हमारी अंदर थाने के साथ, हैदरी पुलिस स्टेशन है, उसके सामने नासा का चौक है, वहीं 52 थाली रेस्टोरेंट है हमारी पहली ब्रांच। ये ब्रांच हमारी सुबह 11 बजे से रात 7 शाम 7 बजे तक होती है। फिर उसके बाद हमारी एक सेकंड ब्रांच है मेन रोड पे 52 थाली 52 थाली रेस्टोरेंट मेन रोड पे, जो कि फैमिली रेस्टोरेंट है, मतलब इसमें सिंपल कस्टमर भी जाके बैठते हैं, फैमिलीज भी बैठती हैं, वो रात 11 बजे होता है वो मेन रोड के ऊपर, डॉर्मी रोड का सर्विस रोड पे, डॉर्मी रोड का जो सर्विस रोड है ना मेन रोड पे, वो रात 11 बजे हमारी दुकान खुली थी, वो 12 बजे खुलती है और रात 11 बजे बंद होती है। अरे जबरदस्त। अच्छा मैंने एक और चीज भी सुनी है कि चावल खत्म हो जाते हैं तो रिफिल होते हैं, ऐसा कुछ है? सर बिल्कुल दुरुस्त है ये बात आपकी, रिफिल जो है हमारी मैं आपको दिखाऊंगा मेन्यू के अंदर कि हमारी जो ये सादी थाली है कबाब थाली इसमें नहीं होता, जो स्पेशल थाली है ना दाल चावल की, कबाब स्पेशल थाली, चिकन थाली स्पेशल थाली, उसके अंदर हमारा दाल चावल का वन टाइम रिफिल करते हैं कस्टमर्स को, हम मना नहीं करते दाल चावल के रिफिल करते, पापड़ी भी डाल देते भाई मना नहीं करते खाने की। बिल्कुल सही बात, लेकिन हमारा जो रिफिल होता है वो स्पेशल थाली में होता है, स्पेशल थाली की तरह रिफिल करते हैं, जो सादी थाली होती है कबाब थाली होती है उसमें हमारा रिफिल नहीं होता। तो भाई हम भी जो है वो इनकी थाली ट्राई करते हैं और आपको रिव्यू देते हैं। भाई तो भाई ये आ गई है अपनी जबरदस्त सी बेहतरीन सी मखनी दाल, और इसके अंदर जो इतने ज्यादा लवाजमात है ना भाई, हुए कोई नेक्स्ट लेवल है भाई, ये चेक करें माशाल्लाह। इसके अंदर जो है वो आपको चिकन स्टिक भी मिल रही है, इसके अंदर आपको कबाब भी मिल रहा है, चिलोज भी मिल रहे हैं, समोसा भी मिल रहा है, कस्टर्ड भी है। तो भाई कुछ 7-8 आइटम्स जो ना वो आपको इस थाली के अंदर मिल रहा है। तो भाई इसको ट्राई करते हैं कि है कैसी भाई। तो सबसे पहले हम लेते हैं चावल, हुए चावल का टेस्ट चेक करें, चावल चेक करें माशाल्लाह भाई। और ये है मक्खन वाली दाल, हुए ये चेक करें भाई, तो ये चेक करें भाई, इस पर डालते हैं ये, और
फिर स्टार्ट करते हैं भाई। अच्छा पहले जो है वो दाल और चावल जो है वो ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह यार कोई बहुत ही कोई ज़बरदस्त है भाई। अब जो है इसके साथ ट्राई करता हूँ यार मैं कबाब के साथ। ओए 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 कबाब के साथ ट्राई करते हैं भाई जरा। ओए 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 यार मजा आ गया जबरदस्त भाई। आउटस्टैंडिंग जो है ना इसका टेस्ट है कि जो दाल है ना उसका भाई कोई टेस्ट ही बिल्कुल अलग है भाई। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पर आकर एक दफा जरूर जो है ये थाली ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मजा जरूर आएगा। तो भाई अपनी वीडियो को एंड करते हैं आज की। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आई होगी आज की वीडियो। तो भाई जिस जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।